अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन बाइट्स। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला बहुत ही मज़ेदार चिकन स्नैक है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं हैं, इसमें लाल मिर्चें नहीं हैं, फिर भी बहुत ही मज़े का बनता है। सारी चीज़ें घर में होती है, बहुत ही मज़े का है और आसान है इसे बनाना। आप इसे बच्चों के पार्टीज़ पे बना सकते हैं, बच्चे ज़रूर इन्जॉय करेंगे। बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से जूसी और यमी है, ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, हरा धनिया। हरा धनिया मैं हमेशा स्टेम के साथ यूज़ करती हूँ, सारी खुशबू उसके स्टेम्स में होती है। हरा धनिया इसके स्टेम के साथ यूज़ करेंगे। हरी मिर्चें, इसे कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं, आप तेज़ वाली छोटी हरी मिर्चें वो भी ऐड कर सकते हैं। चॉप्ड प्याज, लहसुन, अदरक दोनों फ्रेश यूज़ करेंगे, पेस्ट यूज़ नहीं करेंगे। ब्रेड क्रम्स, ब्रेड स्लाइसेस को चॉपर में डाल के इसके क्रम्स कर लिए हैं। बोनलेस चिकन, आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अंडा, विनेगर, सिरका, काली मिर्चों का पाउडर, नमक, सारी चीज़ें एक चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे बोनलेस चिकन, साथ ही डाल देंगे नमक, काली मिर्चों का पाउडर, विनेगर, सिरका, ब्रेड क्रम्स, अंडा भी तोड़ लेते हैं। ये अंडा ये भी डाल देते हैं, साथ ही इसके डाल देंगे हरा धनिया, अदरक, लहसुन, चॉप्ड प्याज और साथ ही डाल देंगे हरी मिर्चें। इन सारी चीज़ों को चॉपराइज कर लेंगे, एक से दो मरतबा घुमा लेंगे ताकि ये सब चीज़ें मिल जाएं और चॉपराइज हो जाएं। सारी चीज़ें चॉपराइज कर ली है, एक पेस्ट के फॉर्म में आ गई है। पीसते वक्त कोई पानी नहीं ऐड किया था, जो अंडा था, सिरका था, उसी से ये पीस गया है, पानी ऐड नहीं करेंगे। इस मिक्सचर को अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं। ये सारा मिक्सचर बोल में निकाल लेते हैं। इस तरह मिक्सचर को बोल में निकाल लिया था। ये है ब्रेड क्रम्स, जो ब्रेड क्रम्स इसमें डाले थे वो डिफरेंट है, ये दूसरे ब्रेड क्रम्स है जिसमें हम इन्हें रोल करेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे, ये हाथों को चिपकता जरूर है मिक्सचर, इस तरह से अनइवन थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस ब्रेड क्रम्स में इन्हें रोल करके एक राउंड शेप दे देंगे, इस तरह। ये आसानी से रोल हो जाता है, राउंड बन जाता है। और एक दिखाते हैं, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। अगर ज़्यादा बड़े बॉल्स बनाने हैं तो ज़्यादा मिक्सचर ले लें, और छोटे बॉल्स बनाने हैं, जैसा मैंने नाम दिया है बाइट्स हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ के होते हैं, तो अनइवन थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस ब्रेड क्रम्स में जाके इसे अच्छे से रोल कर लें और राउंड शेप दे दें। ये आसानी से इस तरह से राउंड बन जाता है। इधर मैंने थोड़े से रेडी कर लिए हैं। इसी तरह सारे मिक्सचर के बॉल्स बना के ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे और इस तरह रेडी कर लेंगे फ्राइंग के लिए। पैन में ऑयल गरम कर लिया है, तेल अच्छा गरम होना चाहिए। जब तेल गरम हो जाए तो फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम कर लेंगे। इधर चिकन बाइट्स भी रेडी कर लिए हैं, काफ़ी सारे रेडी कर लिए हैं। तेल भी गरम है, फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखी है। अब एक एक बॉल उठा के हम इसमें डालेंगे, इस तरह से। एक साथ नहीं डालेंगे वरना वो आपस में जुड़ सकते हैं, चिपक सकते हैं, इसलिए एक एक उठा के बॉल इस तरह से डालेंगे और फौरन से चम्मच बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जब 5 से 10 सेकंड हो जाएंगे फिर हम इसमें चम्मच डालेंगे। काफ़ी सारे डाल दिए हैं और नहीं डाल रही हूँ, फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखी है। इसी तरह पहले 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें चम्मच डाल के टर्न कर लेंगे ताकि इक्वल कलर आए।
10 सेकंड हो गए हैं, अब हम इसमें चम्मच डालेंगे इस तरह से ताकि सब जगह इक्वल कलर हो, गोल्डन कलर ले आना है। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे, कच्ची है चिकन, कुक होना है इन्हें कम्प्लीटली अंदर तक। हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे वरना ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर कच्ची रह जाएगी। हल्का हल्का चम्मच चलाते रहे ताकि ये इक्वली कलर आ जाए, ब्राउन हो जाए, गोल्डन कलर में आ जाए इस तरह से। बिल्कुल भी टूटे नहीं है, बिखरे नहीं है, इन्हें फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक। इस तरह चम्मच चलाते रहें बीच में ताकि चारों बाजू से एक ही कलर हो। इन्हें फ्राई करते हैं हम। फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन कलर आया है, इक्वल कलर है सब पर, इसी तरह हमें चाहिए। इन्हें फ्राई करने 8 से 10 मिनट लगे हैं मीडियम फ्लेम पे। किसी भी किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं, फ्लेम ऑफ कर देंगे। किसी भी किचन टॉवल पे निकाल लें ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए, बाकी के भी निकाल लेते हैं। खूबसूरत सा गोल्डन कलर है, इसी तरह बाकी के भी निकाल लेते हैं और फिर हम इन्हें सर्व करेंगे। चिकन बाइट्स को सर्व कर लिया है फ्रेंच फ्राइज के साथ और केचप के साथ सर्व किया है। सारी चीजें बच्चों की फेवरेट हैं, जरूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।